डियर स्टूडेंट्स, आज लैंडस्केप ऑफ द सोल का थर्ड और लास्ट लेक्चर है। इस पार्ट में हम एशियन पेंटिंग, स्पेशली चाइनीज़ पेंटिंग के फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, और इसके लिए एग्जांपल हम लेंगे पेंटिंग ऑफ वुड हाउसी का। उसके बाद यूरोपियन पेंटिंग और वेस्टर्न पेंटिंग को समझने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पेंटिंग ऑफ क्विंटन। इसके बाद थर्ड पार्ट में हम चाइनीज़ एंड यूरोपियन पेंटिंग के फीचर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे, और लास्ट पार्ट में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ चाइनीज़ पेंटिंग। उसका कॉन्सेप्चुअल स्पेस क्या है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। फर्दर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द प्राणायामा। लैंडस्केप ऑफ द सोल के डिस्कशन के लास्ट पार्ट में हम सबसे पहले एशियन पेंटिंग इन जनरल और चाइनीज़ पेंटिंग इन पार्टिकुलर के फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, और इस फीचर्स पे बात करने के लिए हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है द पेंटिंग दैट इज़ डन बाय डॉजी। द एम्परर अप्रिशिएट्स द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पेंटिंग बाय डॉजी, बट डॉजी रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ आर्ट। दैट्स वाई ही सेड टू द एम्परर, लेट मी शो द वे। हिज वर्क शोज द वे टू enter the world of art and mysterious work of universe. It connects the inner life and spirit. It means it opens the door of universe that is full of wonders and curiosity. It explores the material world through spiritual perspective, or you can say it is something like extracting spiritual content from material things. It connects us to our inner life. Hamari life ke do aspect hain, ek outer life hai aur ek inner life hai. आउटर लाइफ में क्या है, इट इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ लिमिटेशंस, यानी हमारे अवचेतन मन की सीमितता, सीमित अवचेतन मन का पक्ष है वो आउटर लाइफ है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वी आर एब्जॉर्ब इन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। दूसरा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है वो इनर लाइफ हमारा है। इट इज़ डिवाइन और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ परफेक्शन। इट इज़ लिमिटलेस। इट इज़ द लाइट ऑफ प्योर इंटेलिजेंस। और डॉजी की जो पेंटिंग है, और यू कैन से चाइनीज़ पेंटिंग और इन पार्ट इन जनरल एशियन पेंटिंग, उसका फोकस इनर लाइफ होता है। अब हम यूरोपियन पेंटिंग के फीचर को समझने की कोशिश करेंगे, और एग्जांपल के लिए हमारे पास है क्विंटन मेडसिस की पेंटिंग। उसने एक फ्लाई बनाया था, उसके होने वाले फादर इन लॉ ने समझा कि ये ओरिजिनल फ्लाई है, और उसने उसको वहाँ से भगाने की कोशिश की। अब इससे दो चीज़ें सामने आती हैं। इट मीन्स जो वेस्टर्न पेंटिंग होगी और यूरोपियन पेंटिंग होगी, उसका फोकस क्या है। इट रिप्रेजेंट्स डेलिकेट रियलिज्म। इट मीन्स द पेंटर वांट्स टू मेक समथिंग लुक रियल। इट कैन बी टर्म्ड एज सॉफ्ट ट्रूथफुलनेस। द एम ऑफ सच पेंटिंग इज अचीविंग अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। इट मीन्स पेंटर यूजेज द पिक्टोरियल मेथड दैट कैन डिसीव द आइज ऑफ द व्यूअर्स। आज के लेक्चर के फर्स्ट दो पार्ट में हमने एशियन पेंटिंग और वेस्टर्न पेंटिंग के फीचर्स को समझने की कोशिश किया। हमारे सामने एग्जांपल था पेंटिंग डॉजी की पेंटिंग और क्विंटन मेडसिस की पेंटिंग। इसके बेसिस पर हम चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग का एक ओवरऑल पिक्चर तैयार करने की कोशिश करेंगे, इसके फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चाइनीज़ पेंटिंग की बात करें। इट डज़ नॉट डिपिक्ट एक्चुअल व्यू। इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। इट ओपन्स द डोर फॉर अस टू सी थ्रू द पेंटिंग। इट डज़ नॉट वॉन्ट अस टू बोरो द आइज ऑफ द पेंटर। इट वॉन्ट्स अस टू एंटर द माइंड ऑफ द पेंटर। द चाइनीज पेंटर ओनली क्रिएट्स अ पाथ फॉर आवर आइज टू कनेक्ट टू द पेंटिंग फिजिकली एंड मेंटली। दिस मेथड इज illustrated best in the case of horizontal scroll. As we roll the painting scroll up to move on to another painting, there is dimension of time in it. The viewer has to travel through the painting. दूसरी तरफ European painting को लेते हैं। It is meant to reproduce an actual view. It is figurative painting. It means piece of art is represented through the eyes of creator's imagination. A European painter wants us to look at the landscape the way he sees it. आज इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया
कि चाइनीज़ पेंटिंग हमारे इनर लाइफ को रिलेट करने की कोशिश करता है, उससे हमें कनेक्ट करने की कोशिश करता है। कैसे? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कॉन्सेप्चुअल स्पेस को। व्हाट इज़ कॉन्सेप्चुअल स्पेस? एज वी हैव सीन दैट चाइनीज़ पेंटिंग डज नॉट डिपिक्ट एक्चुअल व्यू, थस वी कैन से इट इज़ मोर एब्स्ट्रैक्ट देन फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। उसमें एक्चुअल व्यू को डिपिक्ट नहीं किया जाता है, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा है, फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कम है। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। दिस इज एक्सप्रेस्ड एज शैंशुई। शैंशुई क्या है? शैंशुई मीन्स माउंटेन वाटर। इट रिप्रेजेंट्स लैंडस्केप। और इस लैंडस्केप का जो वर्ड है उसको हम अपनी लाइफ से कैसे कनेक्ट करेंगे? इट इज़ रिलेटेड टू आवर लाइफ, दैट इज़ inner and spiritual aspect of our life. So शैंशुई दो चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, एंड दोज टू थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। इसको कहते हैं डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स। तो शैंशुई के दो एस्पेक्ट हो गए, दो एलिमेंट्स हो गए, यांग और यिन। यांग क्या है? YANG यांग क्या है? It is represented by a vertical mountain. It is stable, warm and dry in the sun. It is masculine. दूसरी तरफ yin को लेते हैं। It is represented by water. It is resting on earth. It is fluid, moist and cool. It is receptive. It is feminine. तो शैंशुई के दो एलिमेंट हो गए, एक yang है और एक yin है। इस दोनों के बीच में एक मिडिल वर्ल्ड है, वाइट पार्ट है, अनपेंटेड स्पेस है, उसको मिडिल वर्ल्ड कहते हैं। जहाँ पर यांग और यिन का मीटिंग पॉइंट है वो मिडिल पार्ट है, और वो मिडिल वर्ल्ड है, वो पार्ट वाइट होगा, अनपेंटेड स्पेस होगा। अब यहाँ पर क्या करना है? आपको कनेक्ट करना है यांग और यिन को। यहाँ पर एक पर्सन जो पेंटिंग को देख रहा है, he will act as the channel of communication to make a connection between two poles of universe, heaven and earth. अपने हिसाब से जो पेंटिंग को देख रहा है जो इंसान, वो अपने हिसाब से उन दोनों के बीच में कनेक्शन पैदा करेगा, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का काम करेगा। दैट्स वाई फ्रैंकोइस शेंग सेज मैन इज द आई ऑफ लैंडस्केप। अब मिडिल वर्ल्ड को प्राणायाम से कैसे कनेक्ट करेंगे? प्राणायाम में क्या होता है? पहले हम सांस लेते हैं, फिर सांस को रिटेन करते हैं, रोकते हैं, फिर सांस ब्रीद आउट करते हैं। तो ये जो मिडिल पार्ट है, रिटेन, जब हम सांस को रोकते हैं, सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ है, इट इज़ द मिडिल वर्ल्ड। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ये हमारे ब्रीद इन और ब्रीद आउट को कनेक्ट करता है, और यह प्राणायाम का मेन पार्ट है, जो क्रक्स है, जो फोकस है, मेडिटेट करना है। सिमिलरली हम पेंटिंग के यांग और यिन का जो मिडिल पार्ट है, मिडिल वर्ल्ड है, जिसको पेंट नहीं किया जाता है, वाइट पार्ट होता है, हम इन दोनों के बीच में यांग और यिन में अपने हिसाब से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं।